please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनियों को नोटिस जारी किया। सरकार को शक है कि कंपनियां अपने स्मार्टफोन के जरिए भारत के ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुरा रही हैं। सरकार ने ओप्पो, वीवो, श्योमी और जियोनी जैसी चीन की कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आईटी मंत्रालय ने कंपनियों से कहा कि वो मोबाइल फोन में दिए गए सुरक्षा उपाय साझा करें। मंत्रालय जानना चाहता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्तर पर कौन से मानक अपनाए जा रहे हैं। सरकार ने मोबाइल बनाने वाली चीन की कंपनियों से 28 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। अमित, ये जानकारी सरकार को कैसे लगी, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कोई भी फोन किसी भी ऐप को डाउनलोड करते वक्त कई जानकारियां मांगता है, लेकिन ये सुरक्षित है या नहीं, ये किस मानक पे तय होगा? ये एक प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया, उसके तहत सरकार ने नोटिस जारी किया है और उनका यही कहना है कि चूंकि जो साइबर थेफ्ट और साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं देश में, उसके मद्देनजर हम चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे देश में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित मोबाइल इस्तेमाल करें और उस मोबाइल से उनका डेटा चोरी ना हो, और इसी को लेकर इन कंपनियों को नोटिस जारी किया और 28 अगस्त तक इसको जवाब देने को कहा है। तो फिलहाल अभी सरकार इसको एक नियमित नोटिस जारी करने की प्रक्रिया कह रही है और इनको 28 अगस्त तक इनको जवाब देना पड़ेगा और आईटी मंत्रालय ने ये पूरा का पूरा नोटिस जारी किया। शुक्रिया अमित।